अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये कुछ सामान रखा हुआ है डिनर सेट वगैरह, तो मैं बता देती हूँ ये किस लिए है। ये है बुलबुल की नंद है हिना, उनकी शादी के लिए हम दे रहे हैं अपनी तरफ से छोटे छोटे से गिफ्ट्स। ये है एक टी सेट है जिसमें एक कैटल है और 6 कप है, उनका सेट है जो कि मम्मी की तरफ से है, ये कैटल और कप का सेट। और एक ये सूट है मम्मा की तरफ से जो मैं लेकर आई हूँ अभी मार्केट से। इसका मुझे दुपट्टा बहुत खूबसूरत लग रहा था, गोटा वर्क है उस दुपट्टे के अंदर, तो ये भी हमारी तरफ से हिना के लिए गिफ्ट है। ये देखिए, ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, हिना अगर पहनेगी तो और भी प्यारी लगेंगी। और एक ये है चांदी की पाजेब है, ये हिना के लिए ही है मम्मा की तरफ से, और बाकी का है कैश जो मम्मा ने हिना के लिए दिया है कैश। पहले भी मम्मा ने सगाई पे भी थोड़ा कैश देकर आए थे, फिर मम्मा ने इन जोड़ों के ऊपर और इस पे भी रख के कैश भिजवाया है। फिर बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम हिना के लिए लेके जा रहे हैं। आप हिना को बहुत पसंद आएंगी ये सारी चीज़ें, और बुलबुल को भी पसंद आए। तो टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आया था, बाकी काफ़ी यूनिक सा और खूबसूरत सा लग रहा था, एंटिक सा। ये है डिनर सेट जो मैं लेकर आई हूँ 40 पीसेस का फाइबर का, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। और ये अनब्रेकेबल है, टूटता नहीं है, और ये इस पर हल्दी के निशान नहीं पड़ेंगे, इसकी ये क्वालिटी है और गारंटी भी है। तो एक्सपेंसिव है बट मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं फाइबर का ले आती हूँ। और पसंद आया था ये, तो मैं हस्बैंड के साथ जाके, मैं और मेरे हस्बैंड ये हिना के लिए छोटी थोड़ी सी शॉपिंग कर लाए थे। तो बस ये था हिना का सेट। ये है मेरी जुमजुम के लिए, आयरा जो है उसके लिए ये चेयर है, क्योंकि आयरा का बर्थडे भी इसी मंथ में है 26 दिसंबर को, तो हमने सोचा तो अभी ही आयरा को गिफ्ट दे देंगे, क्योंकि उस टाइम पे कोई जाने वाला नहीं होगा, ना ही आयरा अभी आ रही है। हर बार तो होता है कि आयरा आ जाती है अपने बर्थडे के बाद तो गिफ्ट मिल जाता है या हम लोग चले जाते हैं। तो ये एक टेबल है, स्टडी टेबल छोटा सा। मैं सेट नहीं लेकर आई हूँ, अलग अलग लेकर आई, क्योंकि जो सेट है वो मैंने तहजीब के लिए लेकर आई थी, तो उस पर से बच्चे गिर जाते हैं, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा इसलिए मैं ये ले आई हूँ। और अल्फिया को देखो, अल्फिया हो रही हैं बिल्कुल परेशान अपने पापा जी के साथ। वो फ़ोन बहुत छीनती है मेरे से, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो आपको इसी तरीके की अल्फिया की आवाज़ें आती रहेंगी। तो ये चेयर और टेबल जुमजुम को उसकी खाला और उसकी नानी की तरफ से। ये है अल्फिया की ड्रेसेस जो मैं लेकर मतलब रखने जा रही थी, पैक करने जा रही थी। ये मैं नए खरीद के लेकर आई थी, कुछ इसमें पुराने हैं कुछ मैं नए हैं, तो ये मैं नए वाला खरीद के लेकर आई थी। बुलबुल और मैं ही जाके शॉपिंग कर आए थे जब बुलबुल दिल्ली आई थी तब। तो इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है ये, तो मुझे अच्छा लगा, कलर भी बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए ले लिया। ये इनायत के लिए ले लिया था, क्योंकि नहीं ये किसी अननोन नंबर से है। हेलो, 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 हाँ जी बोलो। अरे हेलो, कैसी हो कैसी हो भैया? जीजा जी, जरा मैं इसमें फोन में कर रही थी कुछ काम, तो जी हाँ हाँ जी आयरा, पायरा नहीं है, छुट्टी आ रहा है। हाँ अच्छा ये वो होंगी एप्पल। अच्छा क्या कर रही तो है? खाना खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया आपने? अरे हाँ जी, हमारी वीडियो देख ली भाई, वीडियो देख ली, बड़ी धमाकेदार बड़ी धड़ाकेदार वीडियो थी वो। मैं अभी कपड़े धो रही थी ना, तो मैं उसमें देख ली थी, कमेंट भी नहीं कर पाई थी उसपे, तो मैं कमेंट आपको लाइव सुना देती हूँ अपने। भाई हाँ बड़ा मजा आ गया, वीडियो देख के तो दिल खुश हो गया, बहुत पूरा अच्छा दो चार लगा। सेकंड की है, 5 मिनट की है पूरी, आ नहीं पा रही थी वो उस पे व्हाट्सएप अच्छा, नहीं बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, नहीं नहीं पे। कुछ ही डाला। अबे बेटा मैं नानी नहीं हूँ। हाँ मैं नानी नहीं, नानी नहीं, आंटू है, आंटू खाला जी। हाँ जी 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 खाली गुड्डू, हाँ गुड्डू आज जी के फोन पे फोन करो, इसमें ना मेरी वीडियो चल रही थी, तो फिर वो वापस चली जाएगी। चली गई वो तो। हाँ उनके पे फोन करो, ठीक है? अच्छा, इस पर ये पूछनी है, मम्मा को दिखा दिया? मम्मी के पास मैं अभी सुबह से जा नहीं पाई हूँ, अन्नू है शायद, मे भी अन्नू ने दिखा दिया होगा, नहीं तो मैं कल सुबह मम्मी को दिखा दूंगी। ठीक है ठीक है, चलो
मैं तुमसे बात करती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो ये था इनायत का ड्रेस जो कि हम अभी लेकर आए थे दिल्ली से, वहीं से इनायत की फेवरेट शॉप है वो। इनायत 6 साल से हम उसके लिए और उन वहीं से कपड़े लेकर आ रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था बच्चों के लिए, इस तरीके से अच्छा लगता है कुछ सोबर सा। तो ये उसका एक वन पीस है, इसके नीचे लेगिंग्स भी है, सर्दियों में वेलवेट का ऊपर का अपर है। और ये इसका पॉन्चो मुझे बहुत पसंद आया था, जैकेट वगैरह जो है ना बहुत खूबसूरत लगा था ये मुझे, तो इसलिए मैं ये ले लिया था। और आप लोगों को कैसे लगे बच्चों के कपड़े कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ये इनायत के पापा दिखा रहे हैं ड्रेसेस। ये इनायत के ड्रेस हम लेकर आए थे पिछले साल जनवरी में। और ये अल्फू के लिए पजामी मुझे अच्छी लगी, क्यूट सी। तो बच्चों के लिए तो जितना पजामियाँ हो उतनी कम है सर्दियों में। तो और ये इनायत का ड्रेस मैं आपको बता रही थी कि पिछले साल हम लोगों ने ख़रीदा था अन्नू की शादी पे, तो वो है मैंने वॉश करके रख दिया था। ये अल्फू की सैंडल है, अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, अच्छी है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लग रही थी। तो वैसे तो शूज़ भी हैं और भी हैं, बट ये वाली अच्छी लगती है, ड्रेस पे अच्छी लगेगी। ये भी मैंने पिछले साल खरीदे थे फ्रॉक, तो अच्छा लग रहा था। ये वाला भी बहुत प्यारा, इसका कलर जो है ना वो ऑफ वाइट है, क्रीम कलर। तो अल्फू इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। तो हमने ये पिछले साल ही लिया था, तो मैंने सोचा इस बार पहना देती हूँ उनको। ये मेरा ड्रेस है जो मैं लेके जाने वाली हूँ, मेरे 3 जोड़ी ये कपड़े मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी, ये मैं सफ़र के लिए आते वक्त पहनना है मुझे। तो ये मेरा और बुलबुल का सेम सूट हम लोगों ने पहली मतलब बहुत टाइम बाद जैसा लिया था, बचपन में पहना करते थे सेम कलर सेम डिज़ाइन, अब बड़े होके हटा दिए थे। और ये मैंने इस बार सिलवाया है विंटर्स के लिए, ये मेरा शर्ट है और इसके नीचे मेरी ट्राउज़र है, मुझे ट्राउज़र बहुत पसंद है और अच्छी भी लगती हैं, कंफर्टेबल भी होती हैं। तो ये मैंने डिज़ाइन इसमें डलवाया था, इसमें मैंने ये पैटर्न लगवा लिए थे, बटन अच्छे लग रहे थे, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। और ये है मेरा वेडिंग ड्रेस जो मैं वेडिंग में पहनने वाली हूँ, इसका कलर बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, वन पीस था, तो मैं और बुलबुल को दोनों को बहुत पसंद आया तो हमने ले लिया। ये इसमें जो वर्क है ना वो नग का वर्क है, मतलब उसका नहीं है, नग का काम हो रखा है इसके ऊपर, तो काफ़ी हैवी सा है। और इसके नीचे शर्ट नहीं बन पाई थी, शर्ट नहीं बन पाई, वो सॉरी पैंट नहीं बन पाई थी, तो इसलिए मेरे को सिंपल शलवार सूट ही बनवाना पड़ा। तो मुझे इस तरीके के लंबे लंबे सूट पसंद है क्योंकि मेरी हाइट कम है। तो मैं अस्सलामुअलैकुम करो बाबा, माम करो सबको अस्सलामुअलैकुम। अब वो कैटी बन के दिखा दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो ऐसे करके, बाय बाय। तो इधर है हमारे बैग बिल्कुल पैक और हम भी हो चुके हैं रेडी आप लोगों के साथ जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं फिर। अब बोलो, हाय गाइस, आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? पार्टी, बुलबुल पार्टी, किसकी? सबसे बाहर लिटिल सिस्टर बिहार। जब ये क्यों डर के रखते हो? यहाँ पे क्या लिखी जो बोर हो Thank you.
तो ये लो जी, हम पहुंच गए हैं मेरी फेवरेट डेस्टिनी पे, डेस्टिनी तो नहीं कहेंगे, मेरी फेवरेट जगह बोल देती हूँ कि शिव का ढाबा, जहाँ की चाय मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो अभी हमेशा मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ की चाय ज़रूर पिलाते हैं। तो हमने नाश्ता भी नहीं करा था, तो हस्बैंड ने बोला था चलो मैं तुम्हें वहीं पर नाश्ता करा दूँगा। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं नाश्ते के लिए। अल्फू आप लोगों को हाय बोल रही है। और इतनी भीड़ थी इधर में, संडे का दिन था तो बहुत टूरिस्ट आए हुए थे, मोस्टली केरला से आए हुए थे, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, तो सारे ही साउथ इंडियन थे। और बस भर भर के आई हुई थी, बहुत रश था, बट फिर भी हम लोगों ने कर लिया था। हस्बैंड चले गए थे, पहले फ्रेश हुए हम लोग, उसके बाद यहाँ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेड पकौड़े यहाँ के बहुत यम्मी होते हैं, और चाय तो मेरा फेवरेट हो गया शिव का ढाबा। और इनायत के और पापा को हमने कार में ही दे दिया था, वो लोग कार में ही नाश्ता कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ बैठ के अच्छे से करा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना और वो जो स्पेशली ये जो चारपाई होती है ना, इस पे बैठना मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। कभी कभार अच्छा लगता है इन जगहों पे इस तरीके से बैठो चारपाइयों पे और ये सब चीज़ें इंजॉय करो, तो बहुत अच्छा लगता है। और अल्फू इतनी प्यारी लग रही थी कि बहुत सारे अंकल्स जो थे वो अल्फू के साथ, तीन लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाए। हस्बैंड से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपकी बेटी के साथ हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, तो वो सीनियर सिटीज़न थे, हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है खिंचवा लो। उन्होंने हमें दिखाया कि देखो हमने आपकी बेटी के ही फ़ोटो खींचे हैं, वाइफ के नहीं खींचे हैं। तो बस मैं ढूँढ रही हूँ जहाँ पर ये ऐसे फट्टा सा लगा हो, जहाँ पर हम आराम से बैठ के चाय और नाश्ता कर सके, वो गिरे नहीं। तो ये मुझे जगह मिल गई थी, ये चारपाई खाली हो चुकी थी, तो मैं इधर बैठ जाऊंगी अल्फिया के साथ, हस्बैंड वहाँ से लेकर आएंगे नाश्ता। यहाँ पे चाय मिलती है, पहले आपको यहाँ पे पर्ची कटानी पड़ती है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो अल्फू इतनी शरारती हो गई कि उन्होंने ना रिमोट से टीवी की वॉल्यूम ऑन कर दी थी, तो कुछ ना कुछ अब आपको अल्फिया की आवाज़ में सुनने को मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, मिक्स पकौड़े मिलते हैं, दही हांडी लस्सी सब मिलता है, देसी, बिल्कुल देसी ही लगता है। अल्फी आप सबको माम कर रही है, और आप लोग उसका सलाम ले लेना। और अभी कैटी भी बन के दिखाती है, वो हर बार आपको कैटी बन के दिखाती है अल्फिया जो है, और मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, और ये आपको किसी दे रही है अल्फिया। सबको अल्फिया का बहुत सारा प्यार। तो बस यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, और देखो ये बर्ड्स अच्छी लग रही हैं, यहाँ पे जो खाना डला हुआ होता है तो ये उनको खा रही हैं, तो ये बहुत प्यारी प्यारी सा लग रही थी। और मेरा मन करता है यहाँ पर मैं कम से कम आधा एक घंटा रिलैक्स होके बैठूं, बट हम कुछ 10-15 मिनट में ही अपने नाश्ता पूरा करना होता है कि हमें आगे का सफ़र तय करना होता है कि लेट ना हो जाएंगे। और वहाँ आ रहे थे बुलबुल के बार बार फ़ोन, ये आ चुका है हमारा नाश्ता। तो बस हस्बैंड कर रहे हैं कि लो खा लो, तुम भी खा लो। तो ये मेरा और हस्बैंड का नाश्ता है। चाय जो है वो हस्बैंड दो पीते हैं, तो इसलिए हमेशा दो बार चाय लेकर आते हैं वो। तो हम पहुंच चुके हैं सासनी, और ये है बुलबुल का पुराना वाला घर, मतलब जहाँ उनके सासू माँ वगैरह देवरानी रहती हैं, तो ये है उनका पुराना वाला घर। और ये बातें कर रहे, तो ये मेरे पापा हैं, हस्बैंड बैठे हुए हैं, और इनायत है अपने पापा की गोद में, और अल्फिया मेरे पास आ चुकी हैं। और अल्फिया बड़ी परेशान शैतान है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो ये बुलबुल ने हमारे लिए लगा दिया था नाश्ता, मुझे याद आया कि अरे यार जल्दी से मैं वो करूँ, तब तक हम खा चुके थे ज़्यादा नाश्ता, आधे में ही मिड नाश्ते में मुझे याद आया, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था वेन्यू में, और दोपहर का लंच जो था वो हमारा वेन्यू में ही था। तो बस ये बुलबुल मेरा वेट कर रही थी कि बाजी आ जाएँ थोड़ा बहुत नाश्ता करके, हम लोग चले गए थे तुरंत ही वेन्यू में। और वेन्यू में जाते के साथ ही हमको पूरी आलू गोभी की सब्ज़ी और आलू की तरी वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी और रायता मिला था। ये मेरी फेवरेट चाय बुलबुल ले आई थी फीकी बना के, जो मुझे बहुत पसंद है। और बस हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करा, पापा जा रहे हैं वेन्यू में, हमसे पहले पापा पहुँच गए थे, हम लोग फिर कार में गए। ये वहाँ पे जो मैं गई थी तो सामान दिखा रही थी, तो ये सब सामान दिख रहे हो, ये हिना को मैं दे रही हूँ, जो मैंने चांदी के छल्ले में आपको बता रही थी ना, चांदी के चुटकियाँ, ये मैं हिना के लिए लेकर आई थी, बहुत खूबसूरत हैं ये देखो इनका डिज़ाइन, स्काई ब्लू कलर में है ये, और बाकी में इनमें स्टोन लगा हुआ है। और ये जो पर्पल वाला सूट है ये भी मेरी तरफ से हिना के लिए है, ये मैं लेकर आई थी हिना के लिए। ग्रीन वाला मम्मा ने दिया था, पर्पल वाला दिया था हम, मैंने और हस्बैंड ने, और डिनर सेट दिया था हमने, और चांदी के चुटकी दी थी, और टी सेट, और ये सब जो था वो था मम्मी की तरफ से।
तो यहाँ पर जुमजुम ने तो खेलना भी स्टार्ट कर दिया है, जुमजुम खेल रही है यहाँ पर, और उस तरफ से जो है वो दुल्हन रानी बैठी हुई है, तो उनको फेस नहीं दिखाना था तो इसलिए मैंने उस तरफ लिया भी नहीं। तो बस, और ये है हमारा दोपहर का जो मैं आपको बता रही थी लंच, आलू तरी की सब्ज़ी और आलू गोभी पूरी रायता, ये सब हमारे लिए। ऊपर हम लोग जिस होटल में थे होटल में ही हमारे पास आ गया था, और फिर था हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स जो सबने पी ली थी, कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस रखे हुए हैं। यहाँ गुड्डू बैठे हुए हैं आराम से, हमारे अरबाज खान, हाँ जी हमारे अरबाज खान बैठे हुए हैं, आए वो लुक पूरा देंगे मुझे, वो अपनी वाइफ के चैनल पे शर्माते हैं लेकिन साली का चैनल जो है ना उन्हें बड़ा पसंद आता है, तो वो मेरे चैनल पे आके बहुत कुछ बोलते हैं करते हैं एक्टिव। तो फ्रेंड्स, कैसा लगी आपको मेरी ये वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा पूरा वीडियो देखें। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप बोलती हो तो क्या मुंह में मसाला रख के बोलती हो, नहीं मैं कोई मसाला वसाला रख के नहीं बोलती हूँ, तो मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आधी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी अगले पार्ट में, तो ये थी आधी, और आधी का मज़ा आप लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा, और मेरे ब्लॉग में जो भी गलतियाँ होंगी, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अभी सीख रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दूंगी। और अभी मैं रेसिपी का तो बता ही नहीं सकती कि मैं दूंगी कि नहीं दूंगी, बाकी वीडियोस आपको और अच्छे अच्छे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और मैं बैक टू पवेलियन आ चुकी हूँ फिर से, अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, तो अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।